आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। भिंड मालनपुर प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ द्वारा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहे पत्रकारों पर अन्याय अवधि व्यवहार कर झूठे मुकदमा दर्ज होने से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। इसलिए प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के संस्थापक रविंद्र सिंह पवैया के साथ प्रेस मीडिया पत्रकार कल्याण संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह भदौरिया, चंबल संभाग के संभागीय उपाध्यक्ष पवन कुमार शर्मा, योगेंद्र सिंह यादव सहित सभी पत्रकार साथियों ने पत्रकारों की सुरक्षा के हितों को दृष्टिगत रखते हुए ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि ग्वालियर चंबल में पत्रकारों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अवैध व्यवहार पत्रकारों से किया गया है। ऐसे अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए तथा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। इस प्रकार पत्रकारों की हितों की सुरक्षा की मांग की गई है तथा जिन पत्रकारों के साथ अवैध व्यवहार व कार्यवाही हुई उनमें भास्कर न्यूज चैनल की जिला ब्यूरो मुरैना मनीषा शर्मा, जिनसे जनपद सीईओ केलारास द्वारा अवैध व्यवहार कर जान से मारने की धमकी भी दी थी, एवं श्योपुर जिले की विजयपुर तहसील में वन मंडल अधिकारी द्वारा कवरेज करते समय कैमरा छीनकर पोल खोलने वाले फोटो वीडियो डिलीट कर दिए थे, तथा दतिया जिले में सुभाष यादव पत्रकार पर पुलिस द्वारा रागद्वेष के चलते झुंडा प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा खबरें प्रकाशित करने पर पत्रकारों को टारगेट कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार किया जा रहा है। इस अवसर पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ भिंड दतिया सांसद श्रीमती संध्या राय, पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य सहित मंडल के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा गृह मंत्री द्वारा पत्रकारों को आश्वासन दिया गया है कि हम बिल्कुल इस ज्ञापन पर कार्यवाही करेंगे। भिंड से पवन कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।